उसने एक मौका मिले तो हमारे सर पर उड़ा देगा। जैसे पता है ना कि उस साइड जो एरिया है ना वो वाला, वो सब कुकी लोगों का है, उस साइड ये लोग जा नहीं सकते। तो पूछो ना, डर और लगता है क्या? अच्छा ये तू आदत सिंह अवांग से सीधे अवांग कुठरी से अच्छा मुई केम ले है यार। देखो जैसा कि अभी जानते हो कि मैं हूँ भी मणिपुर में, और मणिपुर में अपने दोस्त के घर पे हूँ। लेकिन अब अभी जो आया हूँ, अभी उस गांव से दूसरे गांव में आया हूँ। इधर मतलब जो कुकी लोग हैं ना एकदम नज़दीक है। फिलहाल दिखाऊंगा, अभी इनके घर पे आया हूँ, वहाँ का दिखाता हूँ कि एक मैथिली फैमिली कैसे रहती है और कैसा माहौल है यहाँ पे। ये देखो इधर से हम आ रहे हैं, कितना मस्त रोड है ना, है ना रोबिन? अच्छा गाँव का नाम क्या है? क्या मस्त घर है ना खरम जरी। तो कुछ ऐसा माहौल है, देखो हर एक घर के आंगन में यहाँ पे ना द्वार पे ऐसे तुलसी माता लगी रहती है। देखिए यार, मणिपुर का जो कल्चर है ना बहुत ही खूबसूरत है। और अभी हम जहाँ आए हैं दीदी के घर, चावल तो यहाँ का प्रधान खाना है। चावल आपको हमेशा मिलेगा यहाँ पे। क्या बोलते हैं इसे? काईतुबी, मतलब एक तरह का धनिया है ये। ओके अच्छा, ये कद्दू का है और ये पूरा बॉयल है, चटनी है यार। और चटनी के अंदर ना यहाँ पे मछली होगा ना और चिकन। देखो मैं आपको बता दूं कि जो रेगुलर जहाँ खाना बनता है ना वहाँ पे चिकन नहीं बनता, यहाँ पे चिकन अलग बनता है। चिकन अलग बनेगा और फिश वगैरह रेगुलर जिसे बनता है वैसे बनता है। और एक बात कि यहाँ पे सारे लोग एक साथ खाते हैं, अच्छा लगता है ना एक साथ खाने में। हाँ ये भी बैठी है यहाँ पे। फाइनल यार खाना वाना हो गया। खाना खाने के बाद हम सोच रहे थे निकले, लेकिन अभी निकलने का मन नहीं कर रहा है यहाँ से, तो हम यहाँ पे आराम करना है अभी। यार कल्चर जो है ना यहाँ का मणिपुर का एक नंबर का अलग है। खाना अच्छा था ना, अच्छा है ना। हाँ और मिलके भी अच्छा लगा आप लोगों से। तो यार देखो अभी जिस गांव में आया था ना, ये समझ लो कि चूरा चांदपुर सेकंड है। जो माहौल ख़राब हुआ है ना, सबसे पहले ख़राब हुआ था चूरा चांदपुर में, और अभी जिस जगह पे हूँ इसको यहाँ पे चूरा चांदपुर सेकंड बोला जा रहा है। क्योंकि ये रास्ता आप देख रहे हो ना, इस रास्ते के इस साइड लोग हैं कुकी और इस साइड है मेतई लोग, तो इसलिए चूरा चांदपुर सेकंड बोल रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे भी आगजनी, घर जलाया, मारपीट बहुत ज़्यादा हुआ था। लेकिन मैं भी सोचा कि एक्सप्लोर करूँ, लेकिन यहाँ उन्होंने आगे जाने नहीं दिया क्योंकि कुछ भी हो सकता है ना। इसलिए मैं वापस आ गया, अपने दोस्त के साथ हूँ। ये जो माहौल और ये जो लड़ाई हो रही है मेथी और कुकी के बीच में हो रही है। दादा देखो यार यहाँ पे ना अभी मैं खेत में आया हूँ एक, और इस खेत में आंटी लोग काम कर रही हैं। तो जैसे पता है ना कि उस साइड जो एरिया है ना वो वाला, वो सब कुकी लोगों का है, उस साइड ये लोग जा नहीं सकते। तो पूछो ना, डर और लगता है क्या उधर जाने में? लगता है थोड़ा थोड़ा, नहीं पूरा लगता है, पूरा लगता है। तो यार माहौल जो है ना बहुत ही ज़्यादा डरावना बोल सकते हो, बहुत ज़्यादा खतरनाक बोल सकते हो। मतलब समझ रहे हो ना, हमारे घर पर कोई अटैक करे ना, फिर भी हम वो सह रहे हैं और अपने घर को बचा रहे हैं, ये ना कि हम उल्टा में अटैक किया है। थोड़ा जाने के बाद फायरिंग होता है, इसकी वजह से उन लोग जा नहीं रहे। अच्छा अभी फायरिंग हो रहा है इधर। इधर किसी ने घर भी चलाया था क्या? यहाँ इधर भी आग लगाया है, इधर भी आग लगाया है। जब स्टार्ट हुआ था ना उस समय, जैसे चूरा चांदपुर में बहुत सारे घर जला दिए गए हैं, इधर भी ये सेकेंड चूरा चांदपुर है, इधर भी घरों में आग लगाया गया है। ठीक है जी, थका चेरी बहुत लबुक चल रही ना तरह और लबुक चल रही नहीं। अच्छा वो सी लम दगिरा सी ने हम लोग। अच्छा वो मई की असी की मई था बदो, मई था बदो असी की दिले सिरो थाई जाए असी की कुंजरा मई कुकी ने मई थारम दो ओ कदंग मन सिंग साइड द थारम ब्रा सिंग कोंग ओ सोमदना आ गनुदा सिंग कोंग ना आ गनुदा कदंग बन ये कनोदा कांतो की कांतो था कांतो साबन था। कितने लोग मरे यहाँ पे? सिर्फ मैते ही सी बकोट पदेम तो लेते हैं ये मैते ही फनियम मै था बद दी सी दे काम ना बदा अम्मा अन्नी ओहुम सिदे द असिदे अन्नी मगा मंगा सी रे असि असिदे मै केम साय ये तू आदि से असि ये तू आदत सिंह अवांग से सिदे अवांग कुठरी से असिदे मै केम ले है।
मैतई की लंबारी जय श्री राम। तो देखो यार, अभी यहाँ पे दादाजी से बात हो रही थी, इन्होंने बताया कि यहाँ का जो माहौल है, यहाँ के लैंग्वेज में इन्होंने बताया, हिंदी मैं इनसे पूछूंगा जो मेरे साथ थे, क्या इन्होंने बताया? उसने बताया जो यहाँ का हालत इतना खराब हो रहा है। अच्छा। आज क्योंकि वहाँ पे खेत वगैरह सारे मितई लोग का है, जो पहाड़ के एरिया, वो नहीं जा सकते। ठीक है, मितई लोग तो जो खेत वगैरह नहीं करेगा तो भूखा मरेगा ना, इसलिए काम करने के लिए उन लोग जाता है। काम करने के लिए जाने के टाइम पे क्या करता है, वहाँ से फायरिंग आता है, इसलिए सारे भाग के आ गए। ठीक है भाई, तो माहौल देखा जाए ना तो बहुत ही ज्यादा इधर खराब है। मतलब जैसे बताया कि उधर खेत है लेकिन जा नहीं सकते, लेकिन जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये भाग के आ रहे हैं जब उधर से फायरिंग चल रही है। एज देख लो, एज देख लो, फिर भी अपने घर के लिए ना, घर पे नहीं सो रहा है, बाहर रोड पे सो रहा है, बाहर ये भी सो रहे हैं बाहर। हमारे तरफ मतलब पूरा मणिपुर के जो लोग हैं ना, मैं तई लोग, ये सारे के सारे लोग घर से बाहर सो रहे हैं अपने परिवार को बचाने के लिए। मतलब देखो यार, ऐसा भी है ना, कुछ लोग बोलना नहीं चाहते या कैमरे पे आना नहीं चाहते, क्योंकि उनको भी अपने जान के डर है कि रात को कुछ हो ना जाए या कोई वीडियो मेरा देखता है तो मेरे घर ना आ जाए। तो बहुत से मामले यार जो ये नौजवान लड़के थे, इन्होंने बोलना उचित नहीं समझा, और दादाजी की एज देख लो 70-80 साल के हैं, फिर भी इन्होंने कितनी अच्छे से बोला, कितना सफाई से बोला। देखो जैसे बताया ना कि यहाँ पे जितने भी मैदई लोग हैं, जितने भी गांव है वहाँ पे, देखो ये आप देख रहे हो ना, ये कोई घर नहीं है, दुकान नहीं है, यहाँ पे रात को लोग सोते हैं, अपने गांव को प्रोटेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे रात को सोकर। जैसे कि मैंने भी एक दिन यहाँ पे सोया था अपने जहाँ पे हूँ दोस्त के पास, और ये देखो यहाँ पे भी जैसे सामने देख लो, ये लोग हैं ना कुकी लोग, तो एकदम सामने सामने यहाँ पे ये बना हुआ है सोने के लिए। अभी यहाँ पे देखो रखा भी है, और ये तालाब है यहाँ पे, मतलब हर एक एरिए में यहाँ पे सोने के लिए बना हुआ है, वो भी बना हुआ है वाला। हाँ। देखो यार वो भी बना हुआ है, वहाँ पे दिख रहा है ना, वो भी बना हुआ है, और इधर से वो लोग अटैक ना कर दे या कुछ भी कर दे, तो मतलब ये समझ लो कि अपना घर है, अपना ज़मीन है, और हम अपने आप को बचाने के लिए ही इतना सारा हंगामा कर रहे हैं, इतना सारा और रात को कष्ट सह रहे हैं। यहाँ पे लेडीज भी बाहर सो रही हैं बस इनसे बचने के लिए। मतलब मैतई ही मणिपुर है, मणिपुर है तो मैतई है, वो भी लोग हैं, उनके भी कुछ रूल होना चाहिए यार। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आप हंगामा कर दो, मार दो, गला काट दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए आंटी लोग आ गई खेत से, लेकिन हाँ सिचुएशन बड़ी ख़राब है। तो देखिए यार, जैसा कि अभी हम जिस गांव में हैं, कैबी विलेज में, जैसे विलेज, हाँ, रोबिन के घर पे हूँ, तो आज तो हमें बाहर सोना है यानी चौकीदारी करनी है, तो भैया मिले यहाँ से, और इसके बारे में जो यहाँ पे माहौल चल रहा है ना वो ये खुद बताएंगे ना, तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। भैया थोड़ा यहाँ पे जो चल रहा है ना उसके बारे में बताओ। अभी हम लोग घर में नहीं सोया है, अभी ये देखो ये वेटिंग शेड है, वेटिंग शेड में हम सो रहे हैं, क्योंकि हमें डर लगता है, क्योंकि इस नियर पहाड़ों से कुकी मिलिटेंट। अच्छा, सिंपल कुकी नहीं है, सिंपल ये सिंपल कुकी नहीं है, ये मिलिटेंट है, और ये म्यांमार से आया है, ये टेररिज्म की तरह उसने हमसे सीक्रेट से हमारे घर, हमारे मंदिर और हमारे गांव को तोड़ दिया, जल दिया और एम्बुस कर दिया, फायरिंग कर दिया, इसलिए हमें घर में शांति से सो नहीं रह पाया। अच्छा, मतलब रात को कुछ हमला वाला ना कर दे इसलिए हम बाहर सो रहे हैं। हाँ, बाहर सो रहा है। अच्छा, उनके पास हथियार वगैरह में देखा कि इतने मतलब मॉडर्न इक्विपमेंट है ना, जैसे हम देखा जाए तो हमारे आर्मी ने भी नहीं देखा होगा। हाँ, उनके पास वो है, उनके पास में, हमारे पास में तो कोई आम नहीं है, हमें तो मैंने कल देखा एक आंटी बस टर्च लेके चल रही थी। हाँ, वो उसकी पास में तो बहुत M16 देन अदर बहुत। अच्छा, मतलब आप बोल रहे हैं जो कुकी है ये म्यांमार से घुसे हैं, म्यांमार से आए हैं, म्यांमार से आए हैं। हाँ, तो यहाँ का लोकल कुकी नहीं है वो? लोकल कुकी नहीं है, लोकल कुकी तो हम मतलब इन्वॉल्व वो नहीं है, इंडिजिनियस पीपल में टेररिज्म लगता है हमको, क्योंकि बार बार हमला कर रहा है, सबने उस लोग ने ऐसे कर रहा है हमारे सर पर, बार बार कर रहा है, इसलिए हम प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। नाउ वी आर प्रोटेक्टिंग, नाउ वी आर प्रोटेक्टिंग फ्रॉम आवर एनिमी, वी आर नॉट प्लानिंग, वी आर नॉट प्लानिंग। अभी सिचुएशन ये है ना, मणिपुर की सिचुएशन ये है ना, ये गाँव है ना, सब के सब गाँव ऐसे कर रहा है, बाहर सो रहा है, बाहर सो रहा है,
ये अभी वर्षा है ना, अभी वर्षा के वर्षा भी क्या करेगा, सुना ही पड़ेगा, बचाना है, सुना ही पड़ेगा। मिलिटेंट से अपने घरों को बचाना है, बच्चों को बचाना है, तो सुना ही पड़ेगा, सुना ही पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि यही गाँव है, तो हमें तो हमला नहीं करता है, हमें तो सब प्रोटेक्शन कर रहा है, घात कर रहा है हमारे भाई बहनों को, बच्ची को। स्नाइपर के साथ पहाड़ में बैठा है, LMG के साथ पहाड़ में बैठा है, उसने एक मौका मिले तो हमारे सर पर उड़ा देगा। मणिपुर में इतना भयंकर कांड हो रहा है, किसी को पता नहीं है। क्यों पता नहीं है, कैसा लग, कैसा समझा मणिपुर को, कैसा उसके कैसा देखता है, कैसा देखता है मणिपुर को? मणिपुर स्टेट है क्या? ना मणिपुर इंडिया का स्टेट है ना, स्टेट के इंडिया का स्टेट है का, तो इंडिया का सब ऑफिशियल टॉप ऑफिशियल लीडर प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट और होम मिनिस्टर को इसमें आकर इन्वॉल्व करना चाहिए। शांति करो, शांति में रहो, शांति में दो, सब शांति शांति बोलता है, लेकिन शांति आने के लिए क्या है, क्या जरूरी है, वो नहीं करता, कोई नहीं कर रहा। रिमोट किसने बटन देगा, बटन देना वाले, रिमोट बटन देने वाले आदमी को ये, पड़ेगा। ये 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 क्या है हिंदी में, ये बंद हो रहा है, बंद बंद करना, ये मुट्ठी बंद हो रहा है, इसलिए कुछ नहीं जलता है, घर जलता है, फायरिंग करता है, लेकिन ये इसमें इसमें तो इसमें मुंह में तो ताला नहीं, हाँ मुंह में तो मुंह है, मुंह में तो बंद करो बंद करो, शांति 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 ऐसे बोल रहा है, बस बोल रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं रहा है, कुछ कर नहीं मतलब कर रहा है। वो सब लोग ने तो करता है, हमें कोशिश कर रहा है, कोशिश कर रहा है शांति आने के लिए, इसमें शांति आने के लिए कोशिश कर रहा है, कोशिश कर रहा है, क्या है शांति हमारे गांव, ये है ना, ये देखा देख रहा है तू ना, देख ही रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये तो फेक नहीं है ना, मैं बता रहा हूँ, है ना, मैं जब नागालैंड में घुसा था आपने देखा है ये सबको, सब ये हमारे आदमी ये सोच रहा है, सो रहा है, आगे लेडीज भी सो रहा है, ये लेडी भी सो रहा है, लेडी में लेडी मणिपुरी मेरा पे भी है ना, ये भी सड़क में सो रहा है, इसका सिंबल क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इट मीन्स देयर इज नो पीस, हाँ ट्राई टू रिस्टोर पीस, या रिस्टोर पीस, हु विल रिस्टोर द पीस, दिस इज द बिग क्वेश्चन, बट वी डोंट हैव द आंसर स्टिल नाउ, इसे प्राइम मिनिस्टर, या if I was a prime minister, then I can stop it. Yeah, of course. At once. Yeah, बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है, क्योंकि मैं खतरनाक सिचुएशन में पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, वो भी इंडिया में। Yeah. कितने लोग सोए हैं इसमें? चार लोग। वहाँ भी वो बड़े वाले कम्युनिटी हॉल में कितने लोग हैं? दो लोग। उसमें पूरा गांव सो रहा है। कोई नहीं यार, चलो आजकल की लाइफ है पूरी मणिपुर की, मतलब जितने भी लोग हैं मेदई फैमिली में सबकी लाइफ आजकल यही हो रखी है ना। हाँ कैसा लग रहा है? ऐसे रह के कौन ठीक लगेगा भाई, प्रोटेक्टर बने हम, अच्छा लग रहा है। अच्छा क्यों अच्छा लग रहा है, लड़ाई चल रहा है। फाइनल यार इस वीडियो का इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना।